Good morning, class 4. Today we are going to continue our lesson number 1 of subject SST. बेटे लास्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 1 के सेकंड टॉपिक पढ़ रहे थे जो कि पेज नंबर 6 पर है, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे हम. पेज नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय द अरेबियन सी अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट. वेस्टर्न जो है उसका जो पश्चिमी तट है वहाँ पर जो साउदर्न पार्ट है जो इंडिया का वो अरेबियन सी से घिरा हुआ है, अरब सागर से घिरा हुआ है. द बे ऑफ बंगाल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, और जो ईस्ट इसका किनारा जो है वो बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है. द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ में जो है वो इंडियन ओशन है. दिस टाइप ऑफ लैंड फॉर्म सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स इज कॉल्ड पेनिनसुला. तो इस तरह का जो लैंड फॉर्म होता है, ज़मीन का जो पीस होता है जो तीन साइड से वाटर से घिरा हुआ हो, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं. नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 8 हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. आर कंट्री इंडिया इज अ फ्रेंडली कंट्री एंड मेंटेन्स गुड रिलेशंस विद ऑल हर नेबर्स. जो इंडिया जो हमारी कंट्री है वो एक फ्रेंडली कंट्री है और अपने जो नेबर्स हैं यानी पड़ोसी जो हैं उनसे बहुत अच्छा रिलेशन रखती है. ऑन द वेस्ट इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. जो इंडिया जो वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से घिरा हुआ है. ऑन हर ईस्ट इज बांग्लादेश एंड म्यांमार. इंडिया के ईस्ट में बांग्लादेश और म्यांमार है. चाइना इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया. चाइना जो है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है. नेपाल एंड भूटान आर इन द नॉर्थ एंड श्रीलंका इज इंडियाज नेबर इन द साउथ. नेपाल और भूटान जो है वो उत्तर में है इंडिया के, और जो श्रीलंका है जो इसका पड़ोसी है वो साउथ में है. अनैरो 20 किलोमीटर वाइड चैनल ऑफ सी कॉल्ड पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका. जो एक छोटा 20 किलोमीटर चौड़ा जो एक सागर है जिसको पाक स्ट्रेट और जो खाड़ी है जिसको गल्फ ऑफ मन्नार बोला जाता है, ये इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. पॉलिटिकल मींस राजनीतिक, डिवीजन मींस विभाजन. पॉलिटिकल विभाजन जो है वो भारत का क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. एज वी नो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन. जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ. टू रन द कंट्री स्मूथली इट हैज़ बिन डिवाइडेड इन टू अ नंबर ऑफ स्मॉलर एरियाज कॉल्ड द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. की इस देश को अच्छे से और बिल्कुल सरलता से चलाने के लिए इसे छोटे छोटे एरियाज में, स्मॉल स्मॉल एरियाज में, जिन्हें कि हम स्टेट्स बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, और यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, इनमें डिवाइड किया गया है. इन ऑल इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. इंडिया को डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स में. बेटे आपकी बुक में 9 यूनियन टेरिटरीज दिया हुआ है, लेकिन अब ये 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं. तो इसको आप देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा बुक में भी. अमंग दीज राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया. क्षेत्रफल के हिसाब से जो राजस्थान है वो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, सबसे बड़ी स्टेट है, और गोवा जो है वो सबसे छोटी स्टेट है इंडिया की. दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल टेरिटरी. जो दिल्ली है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, यानी भारत की जो है राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है. एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी और टाउन एज इट्स कैपिटल. हर एक स्टेट है जो हमारे देश की, हर एक राज्य है या फिर हर एक यूनियन टेरिटरी है, उसकी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जो उसमें, या फिर उसका कोई कस्बा है, उसे ही कैपिटल यानी उस राज्य की राजधानी बनाया गया है. बेटे आज की वीडियो में इतना ही क्लियर कर रही हूँ. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अब आपके. थैंक यू.